हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 20% की छूट मेकिंग चार्ज पर। दरभंगा में खरीदिए अपना फ्लैट। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट, बल्लोपुर एकमी लहरिया सराय दरभंगा, फ्री कार फॉर एवरी फ्लैट बुकिंग। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, V2 मॉल के निकट स्टेशन रोड दरभंगा। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विद हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर मिर्जापुर दरभंगा। दरभंगा शहर से लगातार संजय सरावगी ने अपनी बढ़त बना रखी है। संजय सरावगी दरभंगा शहर से 2,850 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट पर 2,850 मतों से आगे हैं। दूसरे राउंड की मतगणना की समाप्ति के बाद उन्हें 8,902 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी महागठबंधन उम्मीदवार राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी को 6,052 मत प्राप्त हुए हैं। 2,850 वोटों से दरभंगा शहर से संजय सरावगी आगे चल रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव आगे चल रहे हैं। जदयू उम्मीदवार फराज फातमी वहां पीछे चल रहे हैं उनसे। ललित यादव को 7,077 मत अब तक प्राप्त हुए हैं, जबकि फराज फातमी को 3,305 मत मिले हैं। 3,772 मतों से दरभंगा ग्रामीण सीट पर ललित यादव आगे चल रहे हैं। केवटी की बात करें तो केवटी में मुरारी मोहन झा आगे चल रहे हैं। मुरारी मोहन झा को 5,338 मत मिले हैं, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद उम्मीदवार हैं, महागठबंधन प्रत्याशी, उन्हें 3,075 मत मिले हैं और भाजपा उम्मीदवार मुरारी मोहन झा 2,263 मतों से आगे चल रहे हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र में। जाले की बात करें तो जाले में जीवेश मिश्रा, भाजपा उम्मीदवार जीवेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। यहाँ मस्कूर अहमद उस्मानी दूसरे नंबर पर हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी बने हैं जीवेश मिश्रा के। जीवेश मिश्रा को 6,511 मत मिले हैं, जबकि मस्कूर अहमद उस्मानी महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार को 3,181 मत मिले हैं। यहां जीवेश मिश्रा 3,330 मतों से आगे चल रहे हैं। बेनीपुर का आंकड़ा आया है। बेनीपुर विधानसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी विनय चौधरी 1,197 मतों से आगे चल रहे हैं। विनय चौधरी को 6,376 मत मिले हैं, जबकि महागठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी को 5,179 मत मिले हैं। 1,197 मतों से बेनीपुर में जदयू उम्मीदवार विनय कुमार चौधरी आगे चल रहे हैं।